DPMI दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित संस्थान है। DPMI पिछले 27 वर्षों से पैरामेडिकल के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। इसी दिशा में अग्रसर DPMI पोर्ट ब्लेयर पैरामेडिकल के क्षेत्र में पिछले एक वर्ष से पैरामेडिकल में क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करा रहा है। आइए नजर डालते हैं DPMI पोर्ट ब्लेयर द्वारा कराए जाने वाले प्रमुख कोर्सेज MLT, OTT, RIT। DPMI पोर्ट ब्लेयर समय समय पर स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री विजिट्स और शहर के नामी गिरामी हॉस्पिटल्स भी विजिट कराते हैं। DPMI पोर्ट ब्लेयर भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है। सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। वहाँ गाड़ी अंदर करके खड़ा करके आधा सिलेंडर गाड़ी में है, आधा सिलेंडर बाहर है। कुछ सिलेंडर का सील टूटा हुआ था। और आपने भी देखा टूटा हुआ सील था। तीन जो है बिना पन्नी वाला है, और जो एक जो सिलेंडर है वो सिलेंडर से सील के साथ निकाला, पन्नी के साथ 24.70 आया। लोकेशन बता दें, सरूपलाल बिल्डिंग है, उसके पीछे एक बड़ा सा एरिया खाली है, वहाँ पे इसमें वो गाड़ी अंधेरा में खड़ा रहता है, खोपचा में खड़ा करके सिलेंडर अंधेरा से बिक्री कर रहे हैं। नमस्कार, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही अजीब सा मामला हमारे द्वीपों में सामने आया है, चोरी का मामला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चोरी भी जो हुई है वो है गैस सिलेंडर की। अभी दो दिन पहले ही हमारे न्यूज चैनल को किसी ने फोन करके बताया कि ग्याराचरमा इलाके में वहां के कुछ युवकों ने कई दिन से घात लगा के बैठे थे इस बात को लेकर कि उनको जो सिलेंडर मिल रहा है उसमें जितना वजन होना चाहिए वो उतना वजन नहीं है, उसका जो वजन है वो कम है। यानी कि जैसे आप जब आप कोई भी गैस सिलेंडर लेते हो तो उसमें आप देखते हो कि नेट वेट लिखा रहता है, ग्रॉस वेट लिखा रहता है। तो जो ग्रॉस वेट होता है वो आपका भरा हुआ सिलेंडर का जो पूरा वजन है वो बताता है। तो जब लोगों ने कई बार इस मामले को देखा जहां पे ग्रॉस वेट अगर 29.5 है, तो जब वो लोग उसे वजन किया तो उसमें कभी दो किलो, कभी चार किलो, कभी यहां तक कि 6 किलो भी कम होने के मामले सामने आए, तो लोगों ने इस मसले को गंभीरता से लिया और इस पर छानबीन करने की कोशिश की। तो कल परसों सिलेंडर मिला था, ऑनलाइन बुक किया था, परसों मिला सिलेंडर। तो मुझको घर पे हम नहीं था, मम्मी थी, तो लेके अंदर, हम जब घर गया तो सिलेंडर उठा के हम अंदर रखा, सिलेंडर खाली था, मतलब हल्का था। तो फिर हल्का था, फिर हम बोला पता नहीं क्या हुआ, फिर हम छोड़ दे, फिर हम नीचे जाके अपना बस्ती में लड़का लोग, तो फिर एक लड़का बोला मेरा भी ऐसी था, मेरा भी 4 किलो कमती था। 4 kg कुछ फोटो निकाल के रखे, 24.70 आया, तो 29.6 रहना है उसमें, क्रॉस वेट रहना है, तो 4 किलो समथिंग कुछ कम है। तो हम लोग क्या करें, फिर पता करें, तो हम लोग फिर लड़का लोग बोला, बस्ती का लड़का लोग सब मिल के गए, तो गाड़ी मेडिकल का पीछे खड़ा था वो जो ऑनलाइन देता है, तो हम लोग तराजू अपने एक वेट लेके गए, तराजू मशीन लेके जाके वेट करे, मतलब गाड़ी में देखा एक दो लड़का था, एक लड़का हम लोग देख के भाग गया, तो और एक लड़का था उसको पकड़े हम लोग, तो फिर पीछे जाके देखे तो सिलेंडर वेट किया हम लोग, तो वेट वाला जो जो बराबर वेट है वो एक साइड था, जो कम वेट है वो एक साइड था, ऊपर से दो कमर्शियल सिलेंडर भी था उसमें, और उसमें वो क्या वही टाइम गैस पलटी कर रखा, पूरा भीगा था पानी कम, उसका वेट भी उस कमर्शियल भी वेट करे उसमें भी 6 किलो 5 किलो इसका वेट कम है। सिलेंडर यूज करता है तो सिलेंडर के बाहर से जो भाप जम जाता है ना, उस तरह हुआ है, उस तरह था। तो उसके बाद हम लोग पूछे तो उन लोग से, उन लोग बोलते हम लोग नहीं करे, तो हम लोग बोले जो मैनेजर है जो भी अफराय, फिर तो बस्ती का बहुत जन आए थे, फिर पूछा पाछी हुआ तो एक भाग गया, फिर और एक जन भाग में आया, तो वो बोलता हम लोग कुछ नहीं करे, जो कंपनी से आता है। 6 बजे के बाद में रात में सिलेंडर बेचते हैं, 6 बजे के बाद मेडिकल के पीछे बोलने से कैसा बताएंगे आपको, एकदम लोकेशन बता दें, सरूपलाल बिल्डिंग है, उसके पीछे एक बड़ा सा एरिया खाली है, वहाँ पे इसलिए वो गाड़ी अंधेरा में खड़ा रहता है, खोपचा में खड़ा करके सिलेंडर अंधेरा से बिक्री कर रहे हैं। ग्याराचरमा के युवकों के बुलाने पे जब हम पुलिस स्टेशन पहाड़ गांव पहुंचे तो हमें पता चला कि वहां पर उन्होंने जो गैस कंपनी है जो सिलेंडर सप्लाई करती है उनके कुछ स्टाफ को पकड़ के रखा हुआ है, उन्हें पुलिस के हवाले किया है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि इन लोगों के द्वारा जो सिलेंडर्स दिए जा रहे थे इनको जब उन्होंने वजन किया तो उसकी जो
वजन है उसकी मात्रा में कमी पाई गई। एक वीडियो हम आप लोगों को दिखाते हैं जो इन्हीं लोगों ने हमसे शेयर किया है। उसमें ग्रॉस वेट अगर 29.5 है तो उसमें 27 किलो दिखा रहा है, तो वाकई में वजन तो कम है, तो मामला तो बनता है छानबीन का कि आखिर जो कमी है वो क्यों है, किस वजह से है। उसमें ये सिलेंडर का सील भी खुला वाला मिला है। ये वीडियो देखिए, ये सिलेंडर में भरा है, ये सिलेंडर सील का फोटो भी दिखाते हैं। देखो ये सील खोल दीजिए, ये देखिए ये सील खुला सील है, रस्सी के साथ खोल दिए सील को, सील को खोल के सिलेंडर भरते है। ये भी रिम कंपनी का है। रिम कंपनी का। और ये जो सिलेंडर गाड़ी है ये ऑनलाइन बुकिंग होता है, ऑनलाइन बुकिंग में कमर्शियल सिलेंडर नहीं दे सकता। तो जब दोस्त कमर्शियल सिलेंडर में आधा आधा सिलेंडर है कैसा, और उसमें दोनों में ढक्कन भी नहीं है, ढक्कन और रस्सी दोनों में नहीं है, तो तीन मेरे को मिला गाड़ी के अंदर से, तीन टुक मिला, पिन थाना में इधर दे दिए, तीन जो है बिना पन्नी वाला है, और जो एक जो सिलेंडर है वो सिलेंडर से सील के साथ निकाला है, पन्नी के साथ, और वो पन्नी से सील लगा भी देते हैं। तो लोगों ने उस गाड़ी को ग्यारह शर्मा मेडिकल के पीछे जो सप्लाई कर रही थी दो रात पहले, वहां पे उनको घेरा, उनसे पूछा गया कि भाई क्यों इस तरह कम हो रहा, तो उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता, वे सिर्फ वर्कर हैं और उन्हें जैसा दिया जाता है वे लाके लोगों को सप्लाई करते हैं। तो लोगों ने गाड़ी समेत उन्हें पुलिस स्टेशन पहाड़ गांव लेकर आ गए, जहां पे उनको थाना में रखा गया। तो हम भी पुलिस स्टेशन पहुंचे तो सूत्रों से हमें पता चला है कि ऐसे फिलहाल उनके ऊपर ऐसी कोई केस या एफआईआर तो रजिस्टर नहीं हुई है, क्योंकि अब ये छानबीन का मामला है। पहले पुख्ता किया जाएगा कि क्या वे लोग जो है, जो स्टाफ है, वे लोग इसमें से चुरा रहे थे। जिन युवकों ने इस गैस कंपनी के स्टाफ को पकड़ा, युवकों ने हमें बताया कि ये लोग, इनके पास कुछ एक औजार है जिसकी मदद से ये लोग एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर पर गैस ट्रांसफर कर देते थे। जब ये पूरा मामला वार्ड के काउंसलर के जानकारी में आई तो काउंसलर साहब भी फटाफट यहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचे और उन्होंने इस पूरे मामले का जायजा लिया। जैन सर नमस्कार भाई, बहुत बड़ा जमीन है, प्राइवेट जमीन है, वहाँ पे कोई घर वगैरह नहीं है, कचरा वगैरह है, जंगल वगैरह, तो वहाँ पे गाड़ी अंदर कर मेडिकल के पीछे जो है मेडिकल के पीछे वहाँ गाड़ी अंदर करके खड़ा करके आधा सिलेंडर गाड़ी में है, आधा सिलेंडर बाहर है, कुछ सिलेंडर का सील टूटा हुआ था। ओके और आपने भी देखा टूटा हुआ सील था ओके। और उन वो सप्लाई जो कर रहे थे वो कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई नहीं कर रहे थे, वो डोमेस्टिक सिलेंडर सप्लाई कर रहे थे, पर गाड़ी में दो कमर्शियल सिलेंडर भी था और दोनों कमर्शियल सिलेंडर आधा आधा भरा हुआ था। जब हमने पूछा कि एक कमर्शियल सिलेंडर आधा क्यों भरे, तो बोले नहीं वो दुकान क्या आपको होटल वाले दे दिए। तब कोई भी होटल वाला आधा यूज़ करके आधा छोड़ के तो नहीं देगा, वो तो आखिरी तक तो इस्तेमाल करके ही देंगे। और डाउट तब हुआ, अब देखोगे जब सिलेंडर यूज़ करते हो तो सिलेंडर में नमी आ जाता है उसके चारों तरफ, दोनों कमर्शियल सिलेंडर में नमी था, पूरा भीगा हुआ था सिलेंडर और एकदम ठंडा था। अच्छा, बाकी सिलेंडर ठंडा नहीं होता, आप जब सिलेंडर इनसे लेते होगे तो ठंडा नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर रहता उसका, लेकिन एकदम टेम्परेचर बहुत ठंडा था और गीला भी था। तो इसका मतलब कि ये सिलेंडर एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में पास ऑन हुआ। तो उसके बाद में हम, मेरे संग जो लड़के गए थे वो वेइंग मशीन भी लेके गए थे, तो वहीं पे हम वेइंग भी करे, उसमें से 10-12 सिलेंडर का वेट, किसी में 2 किलो, किसी में 2.5 किलो, किसी में 1.5 किलो, एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर पलटी करके रखते हैं। ओके। और बीच में इनका एक स्ट्रॉन्ग टाइप का ट्यूब का तरह रहता है जो नोजल के अंदर चला जाता है। अच्छा। बस ऊपर प्रेशर से ये दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफर हो जाता है। एक नया अभी टेक्निक आया है अंडमान में, 1.5 साल से सिलेंडर में जो कमी हो रही है ये टेक्निक है। ये लोग निकले थे हाउस होल्ड कनेक्शन देने के लिए, मगर उस गाड़ी के अंदर में दो कमर्शियल कनेक्शन की जो बड़ी बड़ी सिलेंडर आती है वो भी पाई गई, और उनका भी जो वजन है वो भरा हुआ नहीं था। जो कमर्शियल पर्पस के लिए जो दी जाती है सिलेंडर वे लगभग आधा ही था। तो लोगों का कहना है कि ये जो स्टाफ है गैस कंपनी वाले, ये लोग जब लोगों को सप्लाई करते हैं सिलेंडर, वो देने से पहले ये लोग उसमें से ट्रांसफर कर देते हैं, किसी से 2 किलो, किसी से 4 किलो, 6 किलो ऐसा निकाल के देते हैं। कई लोग होते हैं उनको अंदाजा नहीं होता है उठाने के वक्त कि इसका वजन कितना है, तो इस चीज का फायदा उठा के ये लोग इस तरीके से चोरी कर रहे हैं, ये वहां के स्थानीय निवासियों का इल्जाम है। रिम इंडियन गोडाउन के जो सप्लायर है
छः महीने से बंद है। अच्छा, बाकी जीके में सप्लाई चलता है, आपका सीसीएस में सप्लाई चलता है, यहाँ खाली छः महीने से बंद है। अभी मेरा घर 11 चरम में, गैस हमको लेना है, डॉली मिल रहा, गाड़ी वहीं तो वहाँ ले लो, और फ़ोन करने से फ़ोन नहीं उठाते, और बराबर इंटरव्यू नहीं तो गाड़ी कहाँ जाता करके, अब गाड़ी जाते हैं वहाँ जाके ले लीजिए। तो इनके गोडाउन में जाने से वहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलता, छः महीने से बंद है। तो फिर गाड़ी में देने के लिए इनके पास कहाँ से आते हैं? वो बोलता गाड़ी कहाँ जाता वहाँ जाके ले लीजिए, और फ़ोन उठाते नहीं, गाड़ी कहाँ पर जाते वहाँ जा। अभी मेरा घर 11 चरम में, हम जाके वादूस में लेना पड़ता, नहीं तो डॉलिन में लेना पड़ता। गाड़ी में 200 रुपया खर्चा करके जाना पड़ता, ऑटो पकड़ के, सिलेंडर दाम इतना है, उसको ऑटो पकड़ के जाना, फिर वहाँ से लेके आना। और ऑटो में तो अलाउड भी नहीं आते, ऑटो में अलाउड भी नहीं, पुलिस वाला चालान मारता है। घर में अभी जन से बुढ़ा बुढ़ी रहेगा तब उस लोग क्या करेंगे? तो ये बहुत ही एक गंभीर मामला है। इस तरीके से अगर चोरी की जाएगी गैस की, वैसे ही जो सिलेंडर है इतनी महंगी आती है कि एक आम आदमी के लिए इसे लेना बहुत मुश्किल होता है, 1000 रुपए के आसपास। अभी हाल फिलहाल में ही 200 रुपए कम किया गया है, जो 1100 के सिलेंडर था अब 900 में मिलता है। वो भी एक आम आदमी जिसकी आमदनी सिर्फ 10-12 हजार रुपए हो, अगर उसे 1000 रुपए सिर्फ सिलेंडर में देना पड़े, उसमें भी अगर चोरी हो, तो ये बहुत अन्याय हो रहा है उनके साथ में। तो हमारी गुजारिश रहेगी प्रशासन से कि इस पर जरूर संज्ञान ले, इस पर छानबीन करें, और अगर ये बात वाकई में सच है तो इस कंपनी और जो तमाम स्टाफ जो इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी तक की हमारी जानकारी के अनुसार छानबीन चल रही है, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा गया है, जो स्टाफ जो गाड़ी में सप्लाई करने थे, जो 3 लोग, उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना उनके पास ऐसा कोई औजार है जिससे वे ट्रांसफर कर सकें। उनके मुताबिक जो कमर्शियल पर्पस वाली जो 2 सिलेंडर वहां पे मौजूद थी, वो किसी को देने के लिए थी। जिन जिन सिलेंडर्स में कमी आई है, उससे वे पूरी तरह अज्ञान है, उन्हें नहीं पता कि आखिर उनमें कमी क्यों है। उनको जिस तरीके से उनके गोडाउन से दिया जाता है सप्लाई करने के लिए, वे उसी सिलेंडर को लेकर आते हैं और लोगों को सप्लाई करते हैं। लेकिन लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं, जैसे इस कंपनी, खासकर जो रिम नाम की जो कंपनी है जो सप्लाई कर रही है, इनके गोडाउन में जाने से इन लोगों को वहां पर गैस सिलेंडर नहीं दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि जो गाड़ियां बाहर गई है वहां जाके लो। तो लोग कहते हैं कि अगर भातु बस्ती का रहने वाला निवासी है, उसे 11 चरमा जाके लाना आना पड़े तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि उसे ऑटो का खर्चा, उसको समय की बर्बादी होती है। ऑटो में लाए तो फिर पुलिस वाले उनको रोकते हैं क्योंकि ये अलाउड नहीं है, तो उन्हें एक जीप बुक करना पड़ता है सिर्फ 1 सिलेंडर के लिए। प्रशासन के तरफ से ये आदेश है कि जो सिलेंडर कंपनियां हैं, वो मुख्य जो रास्ता है, वो हर गली हर रास्ते में जाकर सप्लाई करना चाहिए, यहां तक कि जरूरत पड़े तो घर के अंदर तक भी पहुंचाना चाहिए। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है, ना इनको गोडाउन में सिलेंडर मिलता है, ना इनके हर गली में पहुंचाया जाता है, घर तक लाके देने की बात तो बहुत दूर सी बात है। इन सारी बातों पर बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है, और इन कंपनियों को जो भी आदेश दिए गए हैं, उन्हें सख्ती से इसका पालन करना चाहिए। हम पूरी तरीके से, हमारे जो जनता है, जो पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं और हमारे जो काउंसलर हैं, इन सबका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सतर्कता दिखाई है एक गलत चीज के खिलाफ में आवाज उठाने के लिए एकजुट हुए हैं, वहीं दूसरी ओर क्या वो चीज वाकई में गलत थी? जिन लोगों को पुलिस थाने में रखा गया है, क्या वे वाकई में गुनहगार हैं कि उन्होंने चोरी की है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम आपको बता दें कि किसी भी चीज को न्यूज के तौर पर वायरल करने से पहले हमें थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि जो ऐसे मामले होते हैं सिलेंडर में वजन की कमी की, इसके कई कारण भी होते हैं। जैसे अगर आप 1 सिलेंडर लेते हो गोडाउन से और उसको कुछ दिन तक रख देते हो, 10-15-20 दिन तक, और उसके बाद उसको दोबारा वजन करते हो, तो जब आपने लिया था और जब आप 20-15-20 दिन के बाद उसको वजन करोगे, तो उसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर आएगी। इसके कुछ टेक्निकल कारण होते हैं। हमें जिस तरीके से पता चला है कि इसके जो सील होती है कैप की, वहां से भी बहुत धीमी मात्रा में लीकेज होती है, और इनका इसका जो पिन होता है जहां से सप्लाई होता है, इसके भी लीक होने की बात कही गई है।
तो इस पर भी हमें जरूर ध्यान देने की जरूरत है हमारे प्रशासन को, क्या इन बातों में कोई सच्चाई है। अगर हम कोई चीज खरीदने के लिए पैसे देते हैं और हमें वो सामान पूरा ना मिले तो किसी को भी निराशा होगी, मगर यहाँ पर बात गैस की है तो इसके पीछे के जो कारण है इसको भी जानने की बहुत जरूरत है। हमने थोड़ी बहुत छानबीन की थी इस मामले में आप लोगों के सामने रखने से पहले, तो हमें इस बात का भी पता चला है, तो इस पर भी गौर करने की जरूरत है, क्योंकि सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि इन सिलेंडर सप्लाई करने वाली जो कंपनियां हैं उनके जो ओनर्स हैं उनका कहना है कि उनके गोडाउन में जितनी भी सील्ड सिलेंडर्स हैं उन सबको अगर आप वजन करोगे तो किसी की भी वजन में एक समानता नहीं मिलेगी, सबके वजन में थोड़ा बहुत अंतर जरूर मिलेगा। तो क्या इसमें उन लोगों की गलती है? लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमारी जनता की जो सतर्कता है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करूंगा, उनकी एकजुट होकर जो इन्होंने इसको उजागर किया है इसके लिए हम उनको धन्यवाद करेंगे। और डेफिनेटली हमारी पुलिस टीम जो तुरंत ही एक्शन पर आई और उन्होंने पूछताछ करना शुरू किया और इस बारे में आगे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम आपको उसकी अपडेट जरूर देंगे। और साथ ही एरिया काउंसलर राजेश जी को भी हम धन्यवाद करेंगे जो समय रहते अपने लोगों के बुलाने पे तुरंत वहां पहुंचे और उन्हें जितनी भी जानकारी थी उन्हें जो जो पता चला उन्होंने हमारे साथ साझा भी किया। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी प्रशासन खुलकर सामने आए और इस बात की पुष्टि करे कि आखिर ये वजन की कमी किस वजह से होती है, क्योंकि जिस तरीके से गैस सप्लाई कंपनी वाले हैं उनका भी ये कहना है कि हर सिलेंडर में थोड़ी बहुत अंतर आता है, तो इसकी पुष्टि की जाए ताकि जनता में ये जो भय फैला है कि इनकी गैस चोरी की जा रही है और इनको कम दिया जा रहा है, इसमें घोटाला घपला चल रहा है, यह बात एकदम गलत है। या फिर अगर वाकई में घोटाला हो रहा है, गैस की चोरी हो रही है, तो डेफिनेटली वो हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद में सामने आ जाएगी और हम ये चाहेंगे कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो। अब तक की जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जो तीन बंदों को इस पहाड़ गांव में पकड़ के लेके जाया गया था दो रात पहले, उनके ऊपर कोई कंप्लेंट या एफआईआर नहीं हुई है। तो सूत्रों से हमें पता चला है कि क्योंकि कोई ऐसा सबूत नहीं पाया गया है जिससे ये पता चले कि उन लोगों ने चोरी की है, इस वजह से पीएस पहाड़गांव ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इस पर अच्छी से छानबीन कर रही है। और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई भी चीज पता चलता है जिससे ये साबित हो कि इन लोगों ने चोरी की है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये जो कुछ सिलेंडर्स में जो कमी आई है सिलेंडरों की 2 किलो 3 किलो की, इस पर वे इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे। जो भी होगा इसकी अपडेट हम आप लोगों को जरूर बताएंगे कि आखिर पुलिस द्वारा क्या कदम लिया गया और हमारी जो प्रशासन है इस पर क्या कार्रवाई करने वाली है। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि इस कंपनी के ओनर से मिले, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये एक प्राइवेट कंपनी है जो इसे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है इसे सप्लाई करने का। हमारी कोशिश रहेगी हम उनके जो ओनर है उनसे मिले और इस पूरे मामले को उनके जुबानी भी सुने कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और लोगों को ये परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, क्यों गोडाउन में सप्लाई नहीं दिया जाता है, क्यों घर के पास जब फुटपाथ और मुख्य रास्ते पर जाने की सुविधा है तो वहां तक उनकी कंपनियां जाके क्यों नहीं दे रहे हैं, और आखिर क्यों ये जो कमी आ रही है कुछ सिलेंडर्स में ये क्यों आ रही है। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हम जरूर आप लोगों को इसकी अपडेट देंगे। फिलहाल मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7, नमस्कार।